think you should. I mean, I really think you should. तो आई होप कि आप सब लोग बढ़िया मजे में होंगे। तो भाई देखो, अभी का जो इस वीडियो में आप लोग को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ फ्री फायर की बैटल स्टाइल के बारे में। हाँ गाइस, आप में से बहुत सारे प्लेयर मुझे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि जो बैटल स्टाइल ये किस प्रकार से मिलता है और इसका मतलब क्या है, इसको हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, ये सारा का डिटेल्स को जानने के लिए गाइस ये वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि गाइस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इसका ऊपर बना चुका हूँ, इसका बैटल स्टाइल क्या है, किस प्रकार से काम करता है और क्यों ज़रूरी है बैटल स्टाइल, तो वो सब बताया था। लेकिन बहुत सारे प्लेयर को वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिसके कारण गाइस मैं फिर से और एक न्यू वीडियो आप लोगों के फुल अपडेट के साथ यहां पर बताने जा रहा हूं कि ये बैटल स्टाइल क्या है और किस प्रकार से वर्क करता है और क्यों चाहिए आप लोगों को बैटल स्टाइल। तो गाइस, ये सब को जानने के लिए गाइस ये वीडियो करें एंड तक जरूर से देखना। सो गाइस, मेरा नाम है अगस्टिन और आप देख रहे हैं एलजी गेमिंग। तो फिर चलिए अभी गाइस कमाल का वीडियो को हम यहां पर फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, बैटल स्टाइल एक काफी सिंपल सा चीज है, तो मैं आप लोगों को सिंपल से भाषा में समझा देना चाहता हूं। बैटल स्टाइल एक ऐसा टैग है जिसके मदद से गाइस आप अपना आईडी को, मतलब कि आप अपना प्रोफाइल को शो कर सकते हो कि आप किस प्रकार से गेम प्ले कर सकते हो और या फिर आप हेल्प करने में कौन सा चीज़ में आप ज़्यादा माहिर हो, इसको यहाँ पर शो करा जा सकता है। मतलब कि आप अपना मर्जी से शो कर सकते हो, लेकिन जैसे ये सब पॉइंट्स को आप लोग को अर्न करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को जो बैटल स्टाइल देखने को मिल रहा है, ये मेरा डोमिनेटर है यहाँ पर और एक है रेसलर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा दोनों डायमंड होकर बैठा है। जैसे कि आप यहाँ पर बैटल स्टाइल पर क्लिक कर दोगे तो आप लोग को सारा का सारा बैटल स्टाइल शो करने लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा जो बहुत सारा बैटल स्टाइल आप लोग को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो डोमिनेटर है, रेसलर है, फिर बेस्ट पहले गोरिला है, पीस मेकर है, अनक्राउन, ये वगैरह वगैरह बहुत सारा आप लोग को देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस इनमें से सबसे ज़्यादा रियरेस्ट जो स्टाइल है, मतलब कि टैग जो कि मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर कौन सा है, तो एक है यहाँ पर डोमिनेटर, जो कि गाइस बहुत ही मतलब बहुत ही रेयर प्लेयर को ही मिलता है और जो कि मतलब कि बहुत ही रेयर आप बोल सकते हो। ओके गाइस, और उसी के जरिए जो रेसलर है बहुत ही कम प्लेयर का डायमंड होकर बैठा है। लेकिन गाइस मैं आप लोग को फुल डिटेल के साथ समझा दूंगा कि आप लोग को ये कैसे मिलेगा। लेकिन गाइस यहाँ पर आप लोग ये सब पॉइंट को कब अर्न कर सकते हो, हाँ गाइस बहुत सारे प्लेयर ने यहाँ पर बेस्ट स्पेल को लगा के रखा है, क्योंकि गाइस वो लोग अपना टीममेट को सपोर्ट करते हैं। जब कभी हो जाए आपको, अगर मतलब कि कोई बंदा अगर आपको मेडिकेट या फिर गन मांगता है, तो आप अपना जो बैग खोल के मेडिकेट या फिर गन जैसे ड्रॉप करते हो, तो गाइस आपको यहाँ पर टैग का मतलब कि पॉइंट्स मिलता है। जब आप गेम बैक करोगे, जैसे गाइस लाइक कितना मिला ये सब देखने को मिलते हैं ना गाइस, तो उसी के नीचे आप लोग को यहाँ पर टैग मिला जाता है। मतलब कि दो टैग हो गया, एक टैग ऐसा कुछ आप लोग को मिलता है। और जैसे गाइस ऐसे कलेक्ट होते होते एक दो करके, तो आप लोग को टोटल जब 260 या फिर 270 ऐसा हो जाएगा, तो आप लोग का जो टैग है ना गाइस ये गोल्डन में बदल जाता है। लेकिन गाइस यहाँ पर अगर आपके पास टैग कम है, मतलब कि 80 का नीचे है, तो वो जो टैग है गाइस यहाँ पर कुछ आप लोगों को सिल्वर कलर का देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस मेरा सिल्वर बोलने से सिर्फ अर्ली बार्ड है, मतलब कि अर्ली बार्ड मुझे क्यों कम मिला है, क्योंकि गाइस आप लोगों को तो पता है कि मैं सीएस में इतना ज़्यादा फास्ट में जाकर रास नहीं करता हूँ। मैं पहले बंदे का पोजीशन देखता हूँ, उसके बाद मारता हूँ, जिसके कारण गाइस मुझे जो अर्ली बार्ड है अभी भी गाइस मतलब कि 69 है। लेकिन गाइस मेरा डोमिनेटर में क्या है, डोमिनेटर में देखो गाइस यहाँ पर ये बहुत ही तगड़ा वाला टैग है। यहाँ पर लिखा हुआ इलिमिनेट एन ओपोनेंट एंड बी द फाइनल सर्वाइवर। हाँ गाइस, मैं लास्ट वाला जो आखिरी बंदा होता है उसको मैं मार के यहाँ पर बोया वगैरह ले लेता हूँ और मैं फाइनल सर्वाइवर बनता हूँ, जिसके कारण गाइस मुझे ये सब जो टैग है बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे कि गाइस अभी फिलहाल मेरे पास 383 टैग है यहाँ पर डोमिनेटर का। ओके, और उसी के जरिए रेसलर का आप लोग देख सकते हो, रेसलर का टैग मेरे पास कितना है, इलिमिनेट एन ओपोनेंट फ्रॉम क्लोजअप। मतलब कि इसमें आप लोग को बोल ये रहा है कि इनिमी को मारो, लेकिन सामने से मारो, सामने से अगर मारोगे इनिमी को, मतलब कि 2-3 स्क्वाड को अगर आप सामने से मारोगे जाके शॉटगन से, तो देखो गाइस आपको यहाँ पर ये वाला टैग दिया जाता है रेसलर का। रेसलर और डोमिनेटर टैग गाइस बहुत ही फेमस टैग है, मतलब कि बहुत ही कम प्लेयर के पास होता है, लेकिन बहुत सारे अचीव नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे प्लेयर को यह जो टैग है नहीं मिल पाता है। क्योंकि आप जब भी रश करने जाओ, तो अगर आपका गेम प्ले खराब है, तो आपको जो ये टैग नहीं दिया जाता है। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन गाइस यहाँ पर आप जो गोरिल्ला को भी यूज़ कर सकते हो। गोरिल्ला क्या है गाइस, देखो यहाँ फॉर एग्जांपल समझ लो आप एक बैटल रॉयल गेम खेल रहे हो। ओके, जैसे कि रैंक हो गया, आप जैसे गाइस गेम खेल रहे हो और वहाँ पर आप सर्वाइव करके कोई चांस लेके मारते हैं ना गाइस बंदा, अगर कहीं फाइट हो रहे दोनों स्क्वाड में के बीच में आप घुस जाते हो और आप तबाह तोड़ करते हो, लॉन्ग रेंज से मारते हो और वो दोनों स्क्वाड को आप भी लेके जाते हो, वाइप आउट कर देते हो, मार देते हो वो सबको, तो देखो गाइस इसमें होता है कि आप चांस लेके मार रहे हो ना गाइस, तो चांस लेके मारने वाले को बोलते हैं यहाँ पर गोरिल्ला, मतलब कि चांस लेके मार रहे हो ऐसे कुछ समझ लो। ओके, और उसी के साथ गाइस बेस्ट स्पेल का मतलब कि मैंने आप लोगों को समझाई दिया क्या है। लेकिन गाइस पीस मेकर क्या है, पीस मेकर देखो
बी द फाइनल सर्वाइवर विथ ए लिटिल कॉमबैक एंड पॉसिबल। मतलब कि देखो फाइनल सर्वाइवर क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ गाइस, देखो कोई कोई नूब प्लेयर, नूब तो नहीं गाइस, जो जो यहाँ पर इतना अच्छा गेम प्ले नहीं है, लेकिन वो लोग कैंपिंग करके खेलते हैं, जो जो यहाँ पर लास्ट एंड में जब जब टॉप फाइव या फिर टॉप थ्री बंदा अलाइव होता है तब फाइट करने निकल देना गाइस जो जो बंदे, तो वो लोग को मतलब कि थोड़ा मोड़ा डैमेज देता है और किल करता है और फाइनल सर्वाइवर बनता है। तब गाइस ये जो टैग है ना गाइस, बीच मेकर वाला टैग है, उसको मिलता है तब। ओके, और गाइस इसी के साथ गाइस अनक्राउन टैग में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाता है इलिमिनेट एन ओपोनेंट बट डिड नॉट सर्वाइवल टिल एंड। मतलब कि आप तो उतरते हो, आपको गेम प्ले तो आता है करने, बहुत धमधूम मारते हो, बहुत ही खराब से मारते हो बंदे को, लेकिन आप फाइनल सर्वाइवर तक नहीं पहुंच पाते हो। मतलब कि आपको बयान नहीं मिल पाता है, आप एक स्क्वाड दो स्क्वाड को मार दिया और दूसरा स्क्वाड आके आपको मार देता है। तो इस टाइप में होता है कि आपको जो ये जो अनक्राउन वाला टैग दिया जाता है। ओके, लेकिन इसमें आप लोग को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, फेमस टैग बोलने से यहाँ पर आप लोग को बैटल स्टाइल में सिर्फ दो टैग देखने को मिलेगा, एक है यहाँ पर डोमिनेटर और एक है यहाँ पर रेसलर। अगर गाइस आपका ये दोनों डायमंड होकर बैठ जाता है तो गाइस आपको तो यहाँ पर मजा ही मजा आने वाला है, क्योंकि गाइस कोई भी बंदा अगर आपका प्रोफाइल खोल के ऐसा खोल के देखे तो गाइस वो चौंक जाएगा, भाई साहब यार बंदा क्या ही खेलता होगा, क्योंकि डोमिनेटर और रेसलर टैग कोई मामूली टैग नहीं है, और इसको डायमंड करना भी कोई आसान चीज़ नहीं है। मतलब कि आसान बात नहीं है कि आप एक दो मैच खेलोगे और आपका जो रेसलर और डोमिनेटर को आप यहाँ पर आसानी से डायमंड कर दोगे, कोई चुटकियों का काम नहीं है, बहुत मेहनत लगता है ये सबको आप लोग को प्लास करने के लिए। तो आई होप कि आप लोग को ये बैटल स्टाइल के बारे में पता चल चुका होगा। अगर गाइस आप लोग का मन में कुछ भी क्वेश्चन वगैरह, कुछ भी डाउट वगैरह, तो गाइस कमेंट्स में जरूर से बताना, मैं आप लोग को यहाँ पर जरूर से हेल्प करने के लिए ट्राई करूंगा। तो भाई लोग देखो अभी का इस वीडियो में बस इतने, अगर गाइस अभी तक आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो गाइस इस चैनल को यार सब्सक्राइब करने मत भूलना, और इस वीडियो को फटाक से लाइक जरूर से कर देना, और हो सके तो ये वीडियो को शेयर भी कर देना अपना एक बेस्ट फ्रेंड के साथ। ओके गाइस, सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में ताज़ा अपडेट लेके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।